साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार, केम छो, सत श्री अकाल, जय भीम और जय शिवराय। साथियों आज हमें इस केमिलियन को, इस बहुरूपी को, इस बहुरंगी को हमेशा हमेशा के लिए फॉरेस्ट में रिलीज करने आ गए हैं। हंसते हुए लोगों की संगत, हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। तो साथियों यही है वो केमिलियन जिसे हम केमिलियन लिजर्ड के नाम से जानते हैं। ये अपने जीभ को लगभग 12 इंच तक खोलने की क्षमता रखती है, यानी अपने शिकार को ये जीभ से ही शिकार को कर लेता है बड़ा आसानी से। केमिलियन जो लिजर्ड होता है, बहुरंगी, हिंदी में इसे हम लोग खास करके झारखंड में बहुरंगी के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता, थोड़ा सा भी इसमें जहर नहीं है, यानी कुल मिला के नॉन विनेमस, और अपने आँख को 180 डिग्री तक खोल लेता है। ये अपने आँख को 180 डिग्री तक खोल लेता है। आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें था इंतज़ार, इन हसीन वादियों में इसे हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर देना है। साथियों चूँकि इससे पहले 3-4 केमिलियन हमने यहाँ रिलीज किया था, तो साथियों आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो ज़मीन ज़रूरी है, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए कमी भी ज़रूरी है। तो आज हम चाहेंगे इसे कुछ भोजन कराना, अगर ये भोजन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, रिलीज कर देंगे, नहीं भी अगर भोजन करता है तो भी हम आज इसे रिलीज करने के मन बनाए हुए हैं, इनका भोजन को लाया जाए। ये हमारे कैमरामैन किस्मत जी हैं और आज सरियत जी कैमरा को संभाले हुए हैं, अगर इनकी भूख होगी तो बड़ा आसानी से इसे खा लेगा, अगर भूख ना होगी तो मुश्किल है खाना, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, ठंड में रेप्टाइल खाना पीना को बंद कर देते हैं। भिक्षा पात्र को भरा जा सकता है परंतु इच्छा पात्र कभी भी नहीं भरा जा सकता, संतोष में ही परम सुख है। खाने का इच्छा होगा ये खा लेगा, अगर इच्छा ना हो तो हम चाह के भी नहीं खिला सकते हैं इसे। तो साथियों हमें नहीं लगता है कि ये भोजन करेगा, आज इसे भी हम रिलीज कर देते हैं, चला गया वो रिलीज, और इसे भी आज हम चाहेंगे रिलीज करने। साथियों रिलीज करने का आनंद ही सबसे अलग है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। साथियों इन्हीं साफ शब्दों के साथ, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, नारी को सम्मान दीजिए, जय हिंद, जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।